आधा हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ का सितम जारी है। आसमानी आफत ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में अपना कब्जा किया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आपको आगे दिखाएंगे कि आखिर अलग अलग जिलों में हालात क्या है। 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो बाढ़ बारिश की विभीषिका को बयां करते हैं। लगातार हुई बारिश ने साइबर सिटी को सैलाब सिटी बना दिया है। हाईवे से लेकर मोहल्लों तक पानी ने कब्जा जमा लिया है। हरियाणा के चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद शहर में बारिश का पानी चारों ओर भर गया है। वहीं अंबाला में सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पंजाब के राजपुरा में तो मूसलाधार बारिश के बाद अंडरपास में पूरा पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के रामनगर, हापुड़, फिरोजाबाद और सहारनपुर में भी आसमानी आफत के बाद भयावह तस्वीरें आईं, जिसके बाद लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक, जहां पर हर तरफ बारिश ही बारिश आपको नजर आई। पहाड़ों क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पर हुई भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। हापुड़ में भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरपास पानी से लबालब हो गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग जुगाड़ गाड़ी से आवाजाही कर रहे हैं, जिसमें एक भैंस गाड़ी को खींच रही है, जिस पर जानवरों के चारे रखे गए हैं। हालांकि अंडरपास से पानी हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां भारी बारिश के बाद एक कार चंबल नदी में बह गई। हालांकि कार में सवार सभी 4 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग दिल्ली के थे। दरअसल भारी बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। रामनगर की यह तस्वीर है, जहां पर 4 लोग दिल्ली से गए थे रामनगर। इस दौरान उनकी कार बह गई, हालांकि सभी को बाद में बचा लिया गया, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद शहर की गलियों और सड़कों पर लबालब पानी भर गया। शहर का VIP इलाका भी इससे बच नहीं पाया, जहां कई फीट पानी भर गया। हालांकि भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, कई दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया, जिसके बाद दुकानदार अपनी दुकानों से पानी निकालते हुए देखे गए। डूब गई साइबर सिटी, भारी बारिश से बिगड़े हालात, हर तरफ पानी ही पानी, सड़क पर जमा कई फीट पानी, गाड़ी के अंदर भरा पानी और सैलाब से मुसीबत में बेहाल लोग। ये तस्वीर है साइबर सिटी गुरुग्राम की, जब कुदरत का कहर देखने को मिला। इस तस्वीर को देखिए, ये कोई तालाब नहीं बल्कि गुरुग्राम शहर की एक सड़क है, जहां बारिश का पानी दरिया की तरह बह रहा है। वहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि एक कार उसमें बुरी तरह फंस गई, जिसे बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वहां इतना पानी भरा हुआ था कि आधी से ज्यादा कार उसमें समा गई। जबकि उसके अंदर बैठा एक आदमी पानी से बचने के लिए कार की छत पर ही बैठ गया। लबालब भरे पानी के बीच कार को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कार को पानी से बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद ली गई, जिसके बाद लोगों ने कार को धक्का देकर काफी मेहनत के बाद किसी तरह उसे बाहर निकाला। इस दौरान सैलाब में फंसे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही। भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा कई फीट पानी। वहीं हरियाणा के ही एक और जिले चरखी दादरी में बेकाबू बारिश से हालात खराब हो गए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक आसमानी आफत की चपेट में आ गए। सड़कों पर तो बारिश का पानी बह रहा था, पास की दुकानों में भी पानी घुस गया। इस दौरान परेशान दुकानदार अपने दुकानों से पानी निकालते देखे गए। परेशानी बच्चों की भी बढ़ गई,
सड़क पर भरे पानी को पार कर उन्हें स्कूल जाना पड़ा, तो कई बच्चों के माता पिता उन्हें गोद में उठाकर स्कूल ले जाते देखे गए। वहीं पानी निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं होने से शहर की निचली कॉलोनियां बाजारों से लेकर गलियों तक में पानी भरा दिखा। भारी बारिश से नदी में उफान, कई गांव बाढ़ की चपेट में। उधर यूपी के गोरखपुर में भी भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का संकट गहरा गया। करीब 35 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ लोगों को खाने की परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मवेशियों के लिए भी चारा नहीं है। एनडीआरएफ के अलावा अन्य संस्थाओं के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम की मार, सड़कों पर सैलाब, लोगों की बड़ी मुसीबत अपार। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर है। सहारनपुर से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां कुछ आदमी मोटरसाइकिल को उठाकर पानी को पार करा रहे थे। दरअसल बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उसका पानी पास के ही सड़क पर आ गया और वहां से गुजर रहे लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। और यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। लगातार हुई बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। फिरोजाबाद के कई गांव करीब 5 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों से इन गांवों का संपर्क कट गया और कई लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। ये पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, बल्कि लोगों को अपने घरों से पानी निकालते हुए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हरियाणा के अंबाला में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। 4 दिन से लगातार बारिश होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानी हो रही है। पैदल जाने वाले लोगों का तो और भी बुरा हाल हो गया है। तो अंबाला की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भर गया है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों की गाड़ियां इस पानी में बंद हो गई, जिससे लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। और पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अभी तक लोगों का जीवन सामान्य नहीं हो पाया है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे और अभी भी भारी बारिश उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। घरों तक लोगों के पानी पहुंच गया है, दुकानदार और घर के लोग भी पानी निकालते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बारिश ने कैसे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ये देखिए तस्वीरें, जब सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां इस पानी में बंद हो गई, उसके बाद बाइक लोगों को कैसे चला कर ले जानी पड़ी और ये बाइक भी उस पानी में बंद हो गई। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं, लोगों के घरों तक पानी घुस गया, हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। दुकानें लोगों को बंद करनी पड़ी और लोगों की मुसीबत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आधा हिंदुस्तान इस वक्त बारिश और बाढ़ का सितम झेल रहा है। आसमानी आफत ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में अपना